हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर मैं आया हूँ। 20 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं याद करवाने वाला हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि खेल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पहले हम सोल्व करेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब से प्रारंभ हुए, पहला प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं, 776 ईसा पूर्व में ये खेल हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया। ये जो ओलंपिक खेल किए गए थे यूनान में, वो किस देवता के सम्मान में खेले गए थे, तो वो नाम था ग्रीक देवता जूस के सम्मान में यह खेल आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार खेले जाते थे, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वे खेले जाते थे 4 वर्षों में एक बार, और अभी के जो खेल खेले जाते हैं ओलंपिक, वो भी 4 वर्षों में एक बार। अभी 2020 में जो है जापान टोक्यो में ओलंपिक होना था, कोरोना वायरस की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है, और 2021 में जो है आयोजित करने का फैसला लिया गया है। आगे देखें, कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, 4 वर्षों में एक बार। कब ओलंपिक खेल का आयोजन रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण बंद करवा दिए गए थे। एक राजा आया था जिसने जो है इन ओलंपिक खेलों को बंद करवा दिया था, तो वो राजा थे, उन राजा थियोडोसियस, उन्होंने 394 ईसा ईस्वी में इनको आकर बंद करवा दिए थे। ये ईसा पूर्व स्टार्ट हुए थे और 394 ईस्वी में उन्होंने बंद करवा दिए थे। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो हमारा अभी जो चल रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेलों के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है। इसका आयोजन प्राय दो ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। इसी राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है। जो राष्ट्रमंडल खेल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया दोस्तों, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। यह खेल पहली बार कब आयोजित हुए। मैं कह रहा था जिस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपका छठे नंबर का क्वेश्चन आ गया, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छूटना नहीं चाहिए। 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटेरियो कनाडा में। तो बिल्कुल जो है पावर आपके पास है, पावर का इस्तेमाल करें, और दिखाई भी दे रहा है 3, 3, 6 और 1, 7, बिल्कुल दिमाग हमारा साथ देगा, तो बिल्कुल पावर का इस्तेमाल हम करेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, पहले राष्ट्रमंडल खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था यहाँ पर, ठीक है। भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। ओलंपिक की बात करें तो पहले ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था, दूसरे ओलंपिक में जाकर भारत ने भाग लिया था, ठीक है। 1896 में ओलंपिक हुए थे पहले आधुनिक, और फिर 90 में 1900 में जाकर जो है भारत ने भाग लिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है पहले राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया भारत ने, और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, तो दूसरे 4 वर्ष के बाद दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, और 30 में शुरू हुए थे और 34 में जो है भारत ने भाग लिया था, और लंदन में ये खेल हुए थे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है टोटल 53। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, 53। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी हो गई, 53। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, लेकिन खेलों में कितनी टीमें भाग लेती है, 71 टीम। किसे माना जाता है, तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश माना जाता है इंग्लैंड को। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो 1760 के दशक में बना, वह कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हेमल्डन। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में 15 से 19 मार्च, जो पहला टेस्ट मैच, आज हम टेस्ट मैच देखते हैं, बहुत से लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर क्रिकेट देखते रहते हैं। तो बिल्कुल जो है अभी पढ़ाई का टाइम है बेटा, पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद अपन खूब क्रिकेट देखेंगे, ठीक है। क्रिकेट खेलने भी चलेंगे वहाँ पर, नहीं तो टीवी पर देखते रहेंगे और पैसा नहीं रहेगा तो आप स्टेडियम में जाकर नहीं देख पाएंगे। तो 15 से 19 मार्च, तो पहला तो हो गया कि 15 से 19 मार्च से तक खेला गया था, और पहला टेस्ट था 1877 ईस्वी में के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था। 3-4 क्वेश्चन का समावेश एक ही प्रश्न में आपको मिल रहा है। पहला है कि पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, 15 से 19 मार्च। दूसरा आंसर है किस सन में खेला गया, 1877। किस टीमों के बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यह किस स्थान पर आयोजित हुआ, इसका नाम है मेलबर्न।
क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में कब हुआ? पहला मैच हुआ क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एक दिवसीय भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जन्मदाता देश इंग्लैंड और राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल है के बीच मेलबोर्न में हुआ था, और ये हुआ था 1971। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम आईसीसी, आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है। आईसीसी का मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले यह कहाँ था, पहले इसको कहाँ बनाया गया था? तो आंसर है हमारा लॉर्ड्स में। चेकमेट, स्लेट मेट, ग्रैंड मास्टर, बिशप और एलो रेटिंग आदि खेल, आदि किस खेल की शब्दावली है? खेल में जैसे हम क्रिकेट में बात करें तो गूगली बात करते हैं, दूसरा बॉल बात करते हैं, ड्राइव बात करते हैं, तो उसी प्रकार से जो एक खेल है जिसके अंदर इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चेकमेट, स्लेट मेट, ग्रैंड मास्टर, बिशप और एलो रेटिंग आदि किस खेल की शब्दावली है? तो शब्दावली का नाम है यह है शतरंज। वाटर पोलो खेल सन 1860 में किस देश से शुरू हुआ? वाटर पोलो देश इंग्लैंड देश, क्रिकेट भी वहीं से और वाटर पोलो भी वहीं से। क्रिकेट का बारबाती स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट का बारबाती स्टेडियम है कटक में, कटक में। क्रिकेट का वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़ा स्टेडियम है मुंबई में, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई। क्रिकेट का ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। ये हमारे 20 क्वेश्चन है, इसके बारे में चलते हैं 20 प्रश्न कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बड़े ही आसान सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से शुरू हुई? 1960। शुरुआत जब होती है तो कोई ध्यान नहीं देता है, पर धीरे धीरे जब कोई सी चीज़ का महत्व बढ़ता जाता है तो एक क्रांति की तरह वो रूप धारण कर लेता है, और यही चीज़ हुई कंप्यूटर में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1960 में, और कोरोना वायरस की खोज भी 1960 में सबसे पहले हो गई थी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का है? वान न्यूमैन का। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो है अमेरिका के पास है, और सबसे नंबर 1 पोजीशन में स्वास्थ्य विभाग के में भी अमेरिका ही है, अमेरिका। भारत का कौन सा स्थान है? 19वां। कंप्यूटर के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 19वां। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का तो मतलब आपको कंप्यूटर चलाने के लिए दे दे तो आप चला लो, कि वो कैसे चलता है, क्या काम करता है, ये सारी जानकारी होना, यानी कंप्यूटर साक्षर होना, यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं इसकी जानकारी होना, यानी कंप्यूटर साक्षर होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है, उसको कहा जाता है बस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? यह आंसर है 1984 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए, सिद्धार्थ। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंप्यूटर का निर्माण किया जो भारत का प्रथम कंप्यूटर कहलाया? उसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो था भारत का पहला कंप्यूटर था, इसका निर्माण किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। भारत का प्रथम कंप्यूटर का डाकघर कौन सा है? तो भारत का पहला कंप्यूटर का डाकघर है नई दिल्ली का डाकघर। भारत का प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप स्थित है, यह है आपका मुंबई में। भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है किसको? बंगलुरु को। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई नई दिल्ली में। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? वह है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट बनाई है इंटरनेट पर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कंप्यूटर के प्रकार के नाम बताइए, कौन कौन से नाम है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार की गणना कर सकता है? जल्दी से आंसर ढूंढिए, इतना समय नहीं है अपने पास, 20 मिनट में वीडियो पूरा करना है, 100 क्वेश्चन रिवाइज मानने। आंसर है आपका गणितीय। अगला है विविध से आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाने वाले हम, 20 20 40 हो गए, अब 40 क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, 80 क्वेश्चन तक चलेंगे विविध से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आसान सा प्रश्न, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों अगला क्वेश्चन से आपका, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
सभी को याद है इंदिरा गांधी, भारत रत्न सम्मानित भी इंदिरा गांधी, और 1971 में, 1971 सॉरी 1971 में इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष किसको कहा जाता है? मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव इसने लता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति उसका नाम है वायलट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, जल्दी आंसर खोजिए, बार बार मैं कहूँगा नहीं कि आपको आंसर ढूंढना है, आंसर देना है जल्दी से। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, भारत की प्रथम महिला सांसद आंसर है राधाबाई सुब्बारायण। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आंसर है रोजमिलियन बेथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका सबको याद होगा रजिया सुल्तान। उसके बाद चलते हैं, भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका उसका नाम है प्रभावती गुप्त। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि स्वतंत्र भारत का पहला लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का पहला राजगोपालाचारी, तो आपको बता दें राजगोपालाचारी जो है भारतीय था और वो अंग्रेज था। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पर। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आंसर है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बताया मैंने, भारत रत्न सम्मानित है और 62 में इनको भारत रत्न मिला था, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, 55 में और 54 में मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 1980 में मदर टेरेसा को, और इंदिरा गांधी को मिला था 71 में, 1971। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाधि कहाँ है? शांतिवन पर। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है आंसर जल्दी से INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी आंसर जल्दी से INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंसर है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 1951 ईस्वी में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में कार्यक्रमों का दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया आंसर है 15 अगस्त 1982। भारत की प्रथम मूक फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं होती थी केवल चित्र नजर आते थे वो है आपकी राजा हरिचंद। निर्माता थे फाल्के। 1912 में बनी थी ये। भारत की प्रथम बोलती फिल्म जिसे चित्र भी थी और आवाज़ भी थी आलमारा 1931 में बनी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, दो बार लिखने में आ गया झांसी की रानी, झांसी की रानी बिल्कुल झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुट्टी चातन। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984 में आया था। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। भारत में सर्वाधिक लंबा बड़ा ऊंचा
से अपन 20 प्रश्न करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए दोस्तों, और बड़ी आसानी से हम 80 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, और आसानी से हम इसको 20 मिनट में कवर कर लेंगे। और 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चंस का रोज़ाना टारगेट रखते हैं, और बिल्कुल जो है 20 20 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का प्रश्न, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स करके हमें बताएं वीडियो के बाद में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आऊँ। कुछ कमियाँ इस वीडियो में हैं तो आप भी वो भी बताएं। बिल्कुल जो है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? एक विद्यार्थी आता है, वो कहता है कि सबसे बड़ा पशुओं का तो वो है सोनपुर बिहार। भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है? सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील का नाम है वुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? नाम है उसका कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है? जामा मस्जिद दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गाडविन आस्टेनिया केटू। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है? भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, नाम है रामेश्वर मंदिर का कॉरिडोर, तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ऊंचा झरना भारत का कौन सा है? जोग या गड़सोपा या महात्मा गांधी सेतु जो कर्नाटक में है। भारत की सबसे ऊंची लंबी सड़क का नाम को बताइए, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? आंसर है आपका बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर ने बनवाया था, ऐसा बताया जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जिसे बनवाया गया था, और कुछ लोग इसको बोलते हैं दक्कन विजय के उपलक्ष्य में भी इसको बनाया था। काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और दक्षिण भारत की कौन सी बताई थी मैंने? गोदावरी नदी। और किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदी भी बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा अजय नगर कौन सा है? कोलकाता अजय नगर। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? आंसर है गोल गुंबज बीजापुर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आंसर है स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मासिम राम चेरापूंजी मेघालय। जिन भाइयों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न याद हो चुके होंगे। आगे के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल पर जाकर अगला वीडियो देखें, एक दो बार इस वीडियो का रिवीजन वापस कर कीजिए, आपको धीरे धीरे सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और आप परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी भाइयों और बहनों के सपने साकार हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना अपने भाई बहनों के लिए मैं करता हूँ। भाई बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाया है, लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे, और बढ़िया से आप इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो को एक बार वापस रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद में फिर से आप जो हैं याद कर लें इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल दमखम के साथ में एग्जाम्स क्लियर करेंगे, और अपने सपने को पूरा। धन्यवाद दोस्तों।